एक बार एक व्यक्ति अपने 20 साल के बेटे के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा। जैसे ही वो दोनों स्टेशन पहुंचे, उन्होंने देखा कि ट्रेन निकलने ही वाली है। ये देखकर दोनों पिता और पुत्र ने भागकर ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठने के बाद उस 20 साल के लड़के ने जिद करनी शुरू कर दी और उसने कहा, पापा मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना है। उसके बाद उस लड़के के पिता ने उसे खिड़की वाली सीट पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। उनके सामने एक महिला बैठी थी, वो ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी तो उस 20 साल के लड़के ने कहा, पापा देखो गाड़ियां पीछे जा रही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं। ये सब देखकर सामने बैठी महिला को लगा शायद दोनों पिता पुत्र आपस में मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बेटा फिर अपने पिता से बोला, पापा देखो बादल पीछे जा रहे हैं। यह सुनकर महिला को बड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा लड़का कैसी अजीब बातें कर रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय महिला ने अपने बैग से खाने के लिए कुछ निकाला और उस व्यक्ति से भी खाने के लिए पूछा, और सही समय देखते हुए उस महिला ने उस व्यक्ति से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। व्यक्ति ने इजाजत दी तो महिला ने कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूं, आप कहें तो मैं उनसे आपकी बात करा सकती हूं। यह सुनते ही वह व्यक्ति बोला, अभी हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, मेरा बेटा बचपन से अंधा था, आज उसका ऑपरेशन था और उसे आज ही आंखें मिली है। यह सुनकर उस औरत को अब सब समझ में आ गया। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कहानी होती है। लोगों को सही मायने में जानने से पहले उनके बारे में कोई राय मत बनाइए, कई बार सच्चाई आपको चौंका भी सकती है। धन्यवाद।